बसमिल्लर रहीम मोहतरम सबसे पहले तो इमारत न्यूज़ का मैं थैंक यू कहता हूँ और अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ही आप एक्टिव हैं तो मुस्लिम नून के साथ हमारा ताल्लक़ जो है ना वो बहुत पुराना है हमारे बाप दादा से तो मैं काफ़ी अरसा से तकरीबन थर्टी फाइव ईयर के करीब यहाँ पे हूँ और उसी वक़्त उसी वक़्त जो है मेरा मामला या सिलसिला जो है ना चौरी नूर तनवीर थे पहले यहाँ पे वो मोहतरम सदर साहब थे तो उससे पहले से इन लोगों के साथ मेरा अटैचमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शारजा यूनिट के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा सब दोस्त इज़्ज़त करते हैं और मैं जितने भीदे दौरान हैं अभी नए आए या पुराने उन सब को मुबारकबाद देता हूँ उनकी मोहब्बतों और चाहतों का ख्वाहिशमंद मंदूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात सबको खुशियों से नवाजे आमीन सुम आमीन और हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अभी इन तशरीफ ला रहे हैं तो हमारी काबशें जो है ना वो दिन राय यही हैं कि उनके वेलकम की तैयारियाँ की जाएँ उनके लिए बहुत से प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं मशावरत की जा रही है तो इसी सिलसिले में कल भी एक मीटिंग है दोस्तों की तो इन श्ल तम काफ़ी अरसे एक अरसे इंतजार कर रहे थे कि हम लोग मियाँ साहब आएँ और उनके साथ जाएँ तो इन कोशिश करेंगे जाने की और उनके वेलकम के लिए इन शाह तला हमारी काबशें और कोशे भरपूर हैं और इन बहुत ज़बरदस्त वेलकम होगा और मियाँ महमान नवाज शरीफ साहब मुस्लिम नून लीग के कायद जो हैं पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं जैसे इंसान के लिए सांस जरूरी है जिंदा रहने के लिए इसी तरह मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की माशत के लिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत काम है बहुत अच्छा करदार है और इन अल्लाह के हुक्म से अभी फिर नए सिरे से इनशाला तरक्की होगी और इन्शाल मुल्क इन्शाल जो है ना वो तो इन शाला दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की कर तो मैं दोस्तों का फिर एक दफ़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट उमल क्वीन बनाया और उनके लिए ख़ास तौर पर ब्रस्टर अमजद मलिक साहब और हिसाक डार साहब और जनाब मोहतरम हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त चौधरी नूर हस्ंद तनवीर साहब का भी मैं बहुत मशगूर हूँ मैं, मैं बहुत ही मशगूर हूँ जनाब मोहतरम सदर साहब गौस मोहम्मद कादरी और अभी माशाल्लाह हमारे चेयरमैन जो हैं वो गुलाम अस्फा मुगल साहब हैं और जनरल सेक्रटरी अबू बकर फंदी साहब और दूसरे तमाम दोस्त उनका भी मैं बहुत मशहूर हूँ और सब को मैं मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ये सब दोस्त जो हैं मिल के आगे मुस्लिम लीग नून को लेके जाएंगे और इन शाह पाकिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान की तरक्की में मुस्लिम लीग नून यू का बड़ा एक हाथ होगा इन तो पाकिस्तान आइंदाबाद यू दोस्ती बाद असलकूल वरम वक् जी मेरा नाम उसामा सदीक़ है मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ और हम कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जब नवाज शरीफ आएँगे तो इन पाकिस्तान के जो मुस्लिम साहिल हैं जो चल रहे हैं वो इन बहुत जल्द काम हो जाएंगे इनशा पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद बिस्मिल अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम तारिक नदी मुगल फराम टोबा टेक सिंह टोबा टेक सिंह माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का किला है अल्हम्दुलिल्लाह टोबा टेक सिंह से आ, अला तूल अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब के जो भी उधर खड़े होते हैं आदमी वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते हैं मुस्लिम लीग नून गढ़ है मुस्लिम टोबा टेक सिंह गढ़ है, तो, तो है मुस्लिम लीग नून का अल्हम्दुलिल्लाह और रहेगा बसमिल्लि मेरा नाम इफ्तिखार अली इसलिए जी रह और हमारी बहुत ही शफकत है जनाब चौधरी बशीर अम साहब से नू ली के ये माशाला उमल बीन के सदर मंतखब हो गए हैं पहली तो पहली बात तो ये हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम दुआ करते हैं कि ये जो है जो ही में रहते हुए अच्छा काम करें और अच्छा काम करते हुए इनकी कोशिशें ऐसी हों कि तपारक तौर इनसे पाकिस्तान में भी कोई अच्छा काम ले पाकिस्तान जिंदाबाद